हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? चलिए दोस्तों, आज मैं बताऊंगा आपको कि एनसीसी के क्या क्या फ़ायदे हैं, एनसीसी सर्टिफिकेट्स के और एनसीसी करने के क्या क्या फ़ायदे हैं, ये मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे, वीडियो को लाइक करे, कमेंट करके बताए कैसा है, शेयर करे और चैनल को यार ज़रूर से सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं आगे की जानकारी। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? चैन, आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आज की वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल होने वाली है। आज का टॉपिक है एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट्स एंड एनसीसी भर्ती, एनसीसी स्कूल कॉलेज की भर्ती और एनसीसी डिपार्टमेंट में जॉब के लिए भर्ती और एनसीसी सर्टिफिकेट्स का यूज़, कैंप सर्टिफिकेट का यूज़ और जो ए बी और सी सर्टिफिकेट्स मिलते हैं एनसीसी में उनका यूज़। आइए जानते हैं, बता देता हूँ। माई सेल्फ धनीराम धुरी, आई एम फ्रॉम बिलासपुर एंड आई एम पोस्टेड 7 CG बटालियन बिलासपुर छत्तीसगढ़, एनसीसी डिपार्टमेंट। दिस इज़ माई कैंप आईडी जब मैं कॉलेज में था। ये एनसीसी कैंप का है, टीएससी का, एंड दिस इज माय जॉब आईडी जहाँ अभी मैं पोस्टेड हूँ, एनसीसी 7 CG बटालियन में। ये मेरा आईडी कार्ड। तो चलेगा, इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं बताता हूँ आपको एनसीसी ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट आपको स्कूल लेवल पे मिल जाएगी, जिसको बोलते हैं हम जीडी, जेडब्ल्यू। इनकी भर्ती होती है 8वीं से, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 3 साल का होता है। 1 साल फर्स्ट ईयर आप ए सर्टिफिकेट करेंगे, सेकेंड ईयर आप बी सर्टिफिकेट करेंगे और थर्ड ईयर आप सी सर्टिफिकेट। तो सी सर्टिफिकेट कुछ कुछ स्कूलों में है, बाकी स्कूलों में नहीं है, तो उनको कॉलेज से अंडरटेकिंग करना पड़ता है। जैसे जिस स्कूल में नहीं है, जिस सिटी में मान लो एनसीसी नहीं है स्कूल में, कॉलेज में, तो आप उस सिटी में अगर हेडक्वार्टर है एनसीसी का तो वहाँ से जाके आप एनसीसी ज्वाइन कर सकते हैं। एनसीसी 3 साल की होती है, पहले ये 2 साल की थी बी और सी सर्टिफिकेट, बट अभी ये 3 साल की हो गई है। ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट। तो ए सर्टिफिकेट आपको, अगर आप कॉलेज लेवल पे करते हैं तो आपको 1 साल नॉर्मली ट्रेनिंग पे रहेंगे आप। सेकेंड ईयर आप जैसे जाते हैं, मान लो आप बीए कर रहे हैं, बीएससी जो भी कर रहे हैं, तो फर्स्ट ईयर आपका नॉर्मल ट्रेनिंग रहेगा, सेकेंड ईयर आप जाएंगे बी सर्टिफिकेट में। बी सर्टिफिकेट का आप एग्ज़ाम देंगे, कैंप करेंगे। जैसे आप गाइस कैंप करते हैं तो मैं दिखा देता हूँ, इस तरह का ये कैंप सर्टिफिकेट्स होता है। ये कंबाइंड नेशनल, नेशनल कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप, सीएटीसी का कैंप है, सीएटीसी का सर्टिफिकेट है। ये होता है 10 दिन का। इसके बाद जो नेशनल कैंप्स होते हैं, नेशनल कैंप जैसे ये आर्मी अटैचमेंट हो गया, ये इसकी सर्टिफिकेट जो मैंने कर रखी है ये है, आप देख सकते हैं, यश और सिद्धि द महारेजिमेंट सेंटर सागर मध्य प्रदेश का। ये 15 दिन का होता है जो नेशनल सर्टिफिकेट्स होते हैं, नेशनल कैंप होते हैं, ये 15 दिन का होता है। ये एनआईसी कैंप का, ये देखिए, ये हुआ था वारंगल सिटी में, आंध्र प्रदेश। ये भी नेशनल सर्टिफिकेट है एनसीसी का, इसका भी 15 दिन का कैंप होता है। एंड अब आप बी सर्टिफिकेट एग्ज़ाम देंगे, बी सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगी। उसके बाद आप लास्ट ईयर सी सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम देंगे। जब भी आप बी सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम देते हैं, आपको इस तरह ये बी सर्टिफिकेट मिलेगा एनसीसी का। देखिए, ये मेरा है धनीराम धुरी, 7 CG बटालियन, एनसीसी बिलासपुर। मैंने किया था डीपी विप्रो कॉलेज बिलासपुर से। ये मेरा बी सर्टिफिकेट। एंड देन लास्ट ईयर आप करेंगे 3 कैंप,
कंपलसरी जरूरी है सी सर्टिफिकेट करने के लिए। आपको 3 कैंप करना पड़ेगा, इसमें से 2 आपके एनुअल ट्रेनिंग कैंप होंगे और 1 आपको नेशनल कैंप करना पड़ेगा। उसके बाद आप एलिजिबल होंगे सी सर्टिफिकेट के लिए। फाइनली ये एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है जो आपको मिलता है 3rd ईयर पे। सी सर्टिफिकेट देखिए, धनीराम धूरी 7CG बटालियन सी सर्टिफिकेट विथ ए ग्रेड। जी हाँ, अल्फा ग्रेड से मैं पास आउट हूँ सी सर्टिफिकेट 2016। ये इस तरह से एनसीसी का ए बी और सी सर्टिफिकेट्स होते हैं। इसके लिए आप ज्वाइन करेंगे स्कूल में, कॉलेज में करते हैं तो 1st ईयर से आपको ज्वाइन करना पड़ेगा क्योंकि ये 3 साल का हो गया। आप 2nd ईयर में अप्लाई नहीं कर सकते। 1st ईयर में करेंगे, 1st ईयर में आपको नॉर्मल ट्रेनिंग रहेगी, 2nd ईयर आप बी सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम देंगे एंड लास्ट ईयर आप देंगे सी सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम। इस तरह आपको ए बी और सी सर्टिफिकेट मिल जाते हैं। और जो ये कैंप सर्टिफिकेट, आप जो कैंप करते हैं, जितने सारे कैंप करते हैं उतने के आपको सर्टिफिकेट्स मिलेंगे। मेरे पास लगभग 15-16 कैंप्स के सर्टिफिकेट्स हैं। एंड देखिए, ये आपको दिखाता हूँ मैं, दिस इज़ माई फर्स्ट कैंप पिक्चर, ग्रुप पिक्चर। इसमें आप पहचानेंगे मेरे, मैं कहाँ पे हूँ। इसमें मैं दिखा देता हूँ मैं कहाँ पे हूँ, ये दिस इज़ मी। तो गाइस, इस तरह से आप ए बी और सी सर्टिफिकेट एनसीसी के कर लेंगे। अभी इन सर्टिफिकेट्स के फायदे मैं बताता हूँ आपको, एनसीसी के फायदे। जैसे आप एनसीसी कंप्लीट कर लेते हैं तो ए सर्टिफिकेट में आप कहीं भी अप्लाई करते हैं, इंडियन आर्मी में अगर आप सोल्जर रैंक पे अप्लाई करते हैं या आप ऑफिसर रैंक पे अप्लाई करते हैं, CDS, SSB, NDA, इन सब के थ्रू, या सोल्जर के लिए GD भर्ती में, तो आपको ए सर्टिफिकेट अगर आपके पास एनसीसी का है तो आपको रिटन एग्ज़ाम में आपको फिजिकल पास करनी पड़ेगी, मेडिकल पास करनी पड़ेगी, रिटन एग्ज़ाम आपको देना है। तो उस रिटन एग्ज़ाम में मैं बता रहा हूँ एनसीसी के फायदे। अगर आपके पास ए सर्टिफिकेट है तो ए सर्टिफिकेट में आपको रिटन एग्ज़ाम में 5 नंबर प्लस मिलेंगे। वहीं अगर आपके पास बी सर्टिफिकेट एग्ज़ाम है तो आपको 10 मार्क्स प्लस पॉइंट आपको मिलेगा। इसके बाद अगर आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है और आप सोल्जर भर्ती में गए हैं भर्ती रैली में, तो आपको सिर्फ फिजिकल पास करना है और मेडिकल पास करना है, आपको रिटर्न एग्ज़ाम की ज़रूरत ही नहीं है, आप सीधे चयन होंगे। इसी तरह ऑफिसर रैंक पे अगर आप लेफ्टिनेंट के लिए अप्लाई किए हैं ऑफिसर रैंक पे, तो एनसीसी स्पेशल भर्ती एंट्री, एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम आती है, उसके तहत आपको एग्ज़ाम देना ही नहीं है, आपको सीधा इंटरव्यू पे बुलाया जाएगा। आप जाएंगे, इंटरव्यू दिलाएंगे, फिजिकल पास करेंगे, मेडिकल पास करेंगे, इंटरव्यू क्लियर करने के बाद आपको सीधे ज्वाइन करना पड़ेगा, ज्वाइन हो जाने आप हो जाएंगे। इस तरह ये एनसीसी ए बी सी सर्टिफिकेट्स के फ़ायदे हैं। अभी जब आप इसके फायदे में बता दिया, अभी जैसे आप एनसीसी कर रहे हैं तो एनसीसी में जो कैंप सर्टिफिकेट्स मिलते हैं इनके फ़ायदे, इन कैंप सर्टिफिकेट्स के फ़ायदे आपको मिलेंगे इन ए बी और सी सर्टिफिकेट के एग्ज़ाम में। नॉर्मल कैंप करते हैं आप एलिजिबल होंगे CATC कैंप करके एग्ज़ाम देने के लिए, बट अगर आपके पास नेशनल सर्टिफिकेट्स हैं, नेशनल कैंप के सर्टिफिकेट्स हैं, तो आपको जो ए बी और सी सर्टिफिकेट का आप एग्ज़ाम देंगे उस एग्ज़ाम में आपको प्लस पॉइंट मिलेगा। जो 5 नंबर 10 नंबर आपको भर्ती के लिए मिल रहा है ए बी सी सी सर्टिफिकेट्स का, वही कैंप सर्टिफिकेट में नेशनल कैंप का, कैंप के सर्टिफिकेट्स का आपको पॉइंट मिलेगा। तो ये कैंप सर्टिफिकेट्स के फ़ायदे हो गए और जॉब के लिए ए बी और सी सर्टिफिकेट्स के फ़ायदे हो गए। तो इस तरह से एनसीसी के फ़ायदे हैं और ये तो सिर्फ इनके फ़ायदे हो गए। बहुत सारे लोग हैं जो आर्मी में चयन हो गए हैं, भर्ती हो चुके हैं एनसीसी, एनसीसी के थ्रू GD रैंक में भी और ऑफिसर रैंक में भी। वहीं ये तो इंडियन आर्मी की हो गई बात। अभी जो आर्मर्ड फोर्सेस हैं, जो आर्मर्ड फोर्सेज हैं जैसे CIF, CISF, BSF, CRPF, ITBP, असम राइफल्स, इस तरह से जाने कितने सारे आर्मर्ड फोर्सेस हैं, अर्धसैनिक बल, तो इनकी भर्ती में भी आपको इसी तरह से ए सर्टिफिकेट का 5 नंबर
बी सर्टिफिकेट के 10 नंबर और सी सर्टिफिकेट का आपको 15 नंबर तक लिखित परीक्षा में मिलता है, एनसीसी ए बी और सी सर्टिफिकेट्स का। तो इस तरह इनमें भी है, अगर आप छत्तीसगढ़ से हैं तो छत्तीसगढ़ पुलिस में भी आपको अगर आपके पास बी सी सर्टिफिकेट्स है तो 10 से 15 नंबर आपको मिलेंगे लिखित परीक्षा में। तो ये हो गया गाइस एनसीसी के फायदे। एनसीसी हमको जॉब के लिए तो फायदा देती है, हमारे करियर निर्माण के लिए भी ये बहुत सही है। अगर आप एक एनसीसी कैडेट्स हैं तो आपका लाइफस्टाइल जो नॉर्मल इंसान है उससे बेहतर होगा, उससे अलग होगा। आपकी पर्सनालिटी अलग होगी, आपकी बात करने का ढंग अलग होगा, आपके चलने फिरने का ढंग अलग होगा। अगर आप एक नॉर्मल चीज़ बताता हूँ, आप खाना भी खाते हो तो उसका तरीका भी एक आम इंसान से हटकर होगा। तो कुल मिलाकर एनसीसी हमको क्या बोला जाए, मतलब पर्सनालिटी डेवलपमेंट करती है, लीडरशिप के गुण आते हैं एनसीसी से। आप किसी भी क्षेत्र में जाएंगे आप लीडर बन के रहेंगे, ये हमको लीडरशिप के गुण हमको सिखाती है एनसीसी। एनसीसी से हम एक जिम्मेदार नागरिक तो बनते हैं, साथ ही अपने करियर को आगे ले जाने में सहायक सिद्ध होते हैं। तो इस तरह का इस एनसीसी के बहुत से फायदे हैं। मैंने एनसीसी की, मेरे पास ए बी ए तो नहीं है, मैं कॉलेज में किया, स्कूल में नहीं किया था, तो मेरे स्कूल में था नहीं। जब भी मैं कॉलेज में आया तो फर्स्ट ईयर में मैंने नॉर्मल ट्रेनिंग की, सेकेंड ईयर में मैं बी सर्टिफिकेट दिया और फाइनल ईयर में सी सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम दिया। मैंने 15-16 कैंप किए टोटल, इनमें से दो मेरे नेशनल कैंप्स हैं। इसमें आपको साहसिक गतिविधियाँ आपको करने को मिलती है, जैसे रॉक क्लाइंबिंग है, ट्रैकिंग है, पहाड़ पे चढ़ना, और पैरासीलिंग है, पैराशूट में उड़ना, पैराग्लाइडिंग है। इस तरह से बहुत सारे मतलब साहसिक गतिविधियाँ हैं, इनमें आपको जाने का मौका मिलता है। प्लस वेपन ट्रेनिंग, आपको जो एक आम इंसान के लिए सपना होता है कि ऐसा हथियार होता है, ऐसा सब ये होता है, ये वो होता है, सिर्फ सोच सकते हैं, देख सकते हैं, टीवी में देख सकते हैं, इंटरनेट में देख सकते हैं, पबजी खेल सकते हैं, ज़्यादा हो गया तो पबजी खेल सकते हैं, ठीक है। लेकिन गाइस अगर आप एनसीसी करते हैं, आप एनसीसी कैडेट हैं, तो आप उन हथियारों को खोलेंगे, जोड़ेंगे, उनकी साफ़ सफाई करेंगे, उनको चलाएंगे, आपके पास सब कुछ है। आप अगर एनसीसी कैडेट हैं तो आप उन हथियारों को चलाएंगे, आप उनका रख रखाव करेंगे, ये आपका काम होगा, आपको हथियार चलाने को मिलेगा। जो नॉर्मल बंदा सिर्फ सपने में सोच सकता है, देख सकता है, लेकिन आप उसको करोगे। तो एनसीसी में वेपन हैंडलिंग होती है, प्लस दिल्ली की जो परेड होती है 26 जनवरी 15 अगस्त परेड, उसमें एनसीसी कैडेट्स को मार्च पास्ट करने का, वहाँ पे सलामी देने का, वहाँ पे परेड करने का मौका मिलता है। और एनसीसी के और भी बहुत सारे फायदे हैं। जब आप एनसीसी में कैंप्स करते हैं, उसमें फायरिंग होती है, शूटिंग जिसको बोलते हैं, ड्रिल होता है, गार्ड ऑफ ऑनर होता है, बहुत कुछ होता है, जिसमें आपको मतलब पूरे आर्मी की एक्टिविटी कराई जाती है। जो इंडियन आर्मी करती है अंदर, वही आपको एनसीसी में कराया जाता है। एनसीसी के दौरान एनसीसी का ध्येय वाक्य है एकता और अनुशासन, आने वाली नई युवा पीढ़ी में अनुशासन लेकर आना और उन्हें एकजुट करने का काम करती है एनसीसी। एनसीसी का मुख्य काम है रिजर्व फोर्स तैयार करना। जैसे युद्ध के दौरान इंडियन आर्मी की सेना अगर कम पड़ती है, तो वहाँ पर कमी पूर्ति के लिए एनसीसी के जो ट्रेंड जवान हैं वो जाएंगे। इस तरह ये ठीक है। तो दौरान इस दौरान आप कैंप्स करते हैं, कैंप में आप अलग अलग एक्टिविटीज़ करते हैं, उस एक्टिविटीज़ में अगर आप फर्स्ट आते हैं, अच्छा करते हैं, तो आपको प्रशासन प्राइज देती है, जो इस तरह है, ये मेडल्स अलग अलग एक्टिविटी के लिए दिया जाता है। ये फायरिंग फर्स्ट गोल्ड मेडल मिला था मेरे को, मैं पूरे छत्तीसगढ़ से बेस्ट फायरर चुना गया था 2015 में, रायपुर ग्रुप 8CG गर्ल्स बटालियन। इसी तरह बहुत सारे हैं, ये ब्रॉन्ज मेडल मिला था FCBC में, ये कैंप से कैंप में ड्रिल का मिला था,
गार्ड ऑफ ऑनर का इस तरह से ये बहुत सारे हैं मेरे पास मेडल्स हैं, ये देखिए बॉक्स भर के। तो ये तो मेरी पर्सनल अचीवमेंट्स होगी। एंड देन कॉलेज की तरफ से भी मेरे को कुछ मिला था एनसीसी के दौरान, जो ये है सर्वश्रेष्ठ एनसीसी छात्र 2015-16 डीपी विप्र महाविद्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़, बेस्ट कैडेट का अवार्ड मिला था मेरे को एनसीसी से। तो गाइस इस तरह से एनसीसी के फायदे हैं जो आपको स्कूल कॉलेज लेवल पे मिलते हैं, देन आपको भर्ती में मिलती है, आपकी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होता है, आप सही मायनों में आप एक जिम्मेदार नागरिक बनते हैं। ठीक है गाइस, और आपके करियर के लिए ये बहुत ही सहायक है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग एनसीसी ज्वाइन कीजिए, अपने भविष्य को एक नई उड़ान दीजिए, एनसीसी कीजिए और उनके सर्टिफिकेट से अपने करियर को नई पहचान दीजिए। इस तरह एनसीसी के फायदे से। कैसी लगी आज की वीडियो बताइएगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक करें वीडियो को, शेयर करें जितना ज़्यादा हो सके, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोस आपको मिल सके। और इसका दूसरा पार्ट और भी इन्फॉर्मेटिव मैं आपके लिए लेकर आऊँगा, जो आपके काम के लिए होगा, आपका बहुत ही आपके लिए यूज़फुल होगा। तो आप कमेंट करके बताइएगा, आप जिस तरह से आपके कमेंट्स आएंगे, जिस तरह आपका रिस्पॉन्स आएगा, मैं उस तरह से अच्छी वीडियो आपके लिए बनाकर लेकर आऊँगा गाइस। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए, और हाँ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद।